सभी का जी टी वी न्यूज़ पर। इन दिनों हम शामली विधानसभा क्षेत्र में, शामली विधानसभा क्षेत्र का गांव है भिक्का माजरा, यहाँ पर हम मौजूद हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों की राय जानने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे 2022 के विधानसभा चुनाव की को लेकर राय लेंगे। सबसे पहले हम इनसे जान लेते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील जी, 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, आप युवा वर्ग से आते हो, तो क्या रहेगा 2022 के चुनाव? 2022 में बयात गठबंधन आओगा, जयंत कियाल जो गठबंधन करेगा उस वही आओगा, वही जीतेगा। पिछले चुनाव में किस पार्टी के पक्ष में वोट किया था? हमने तो यही दिया था अखिलेश को, पिछली बार भी हमने मोदी को आइल वोट ही नहीं, ना कोई पार्टी मानते हम उसे, ना किसानों की आवा पार्टी। और बताओ, मेरठ में भी एक महापंचायत हुई थी जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी एक साथ नजर आए थे, तो कहीं ना कहीं यह तो तय है कि सपा और लोकदल का गठबंधन इस बार होने जा रहा है। वो तो हो गया गठबंधन, तो गठबंधन तो हो लिया जी। और जयंत की अखिलेश की जहाँ भी रे लिया, हम तो वहीं जा जी। इबलो बॉर्डर पर पड़े रहे, EBI हम तो कर लिया, यानी साल भर तो वहीं पड़े थे, जोड़ से इबाग जुकर करेंगे, देखेंगे पार्टी है हमारी पार्टी। कृषि कानून को लेकर जो आंदोलन चल रहा था उसका जिक्र आपने किया, लेकिन वो आंदोलन अब रद्द कर दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। मानना पड़ेगा, और मानना का निकाल जाएगा, मानना का तो यही प्रधानमंत्री बना रखा लोगों ने जी, तो किसानों की नहीं मानना का और कहा जाएगा। तो इस बार आप जुकर वो पहले डर था, फिर डर रहता, हटना पड़े, सही सोच कर चलना पड़े भाई। हम तो पार्टी के आला, ये मेरे मुखिया रहे यहाँ बैठे, और इन तो पूछ लो जी। जी मुखिया जी, क्या करोगे जी 2022 का चुनाव? पहला नो बताओ, पूछना के चाह रहे चुनाव की पूछ रहे हैं जी, जी 2022 का चुनाव इलेक्शन की आया, जो हमें देगा कोई तो उसे ही तो देंगे वोट, जब हमें कोई कुछ देने का नहीं फिर हम वोट क्यों देंगे भाई। हैं, SMP दे दिया इन्होंने, MSP, हाँ MSP दे दिया गया इन्होंने, जब दे देंगे जी जा हम भी सोच लेंगे, या सड़क बनने लग रही हमारी यहाँ और दूसरे फ्री में लग रहे लुटन। कृषि कानून तो वापस ले लिए, अरे वापस का क्या करे जी, महाराज है SMP रेट पर कुछ घोषित नहीं कर रहे हैं, तय नहीं हुआ, सड़क बनाने लग रहे, फ्री में जमीन ले लग रहे, 8 साल पुराना रेट देंगे, ये कहीं है तुक ही हुए तुक, बताओ ये हाल ही हो, अगर ऐसा हो तो बताओ कहीं। तो किस पार्टी के पक्ष में जाओगे जी? हम तो पक्ष में किसी का भी नहीं, हम तो जो देगा उसके पक्ष में, मारा के है हम तो किसान आदमी, बस जो मारा करेगा हम उसके, और जो मारा नहीं करता फिर हम के है, मारा के मतलब उसका। तो अभी 2022 के लिए तय नहीं किया कि किसके, तय तो जब करेंगे, जो कुछ कुछ देगा सोचेंगे, नहीं कुछ देगा तो बस अपना फिर खिलाफत में जा लेंगे, जब नहीं कुछ देने का कुछ। रालोद ने घोषणा पत्र जारी किया, वो पढ़ा आपने? हमें घोषणा पत्र किसी का देखना, हमें यू देखना अपना किसान का देखना जी, जो हमारा भला करेगा हम उसका उसके डब जाएंगे, जो हमारा भला नहीं करने का हम उसके साथ नहीं जड़ेंगे। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है? निखिल मलिक जी। मलिक जी, क्या करोगे, चुनाव नज़दीक आ गया है 2022 का? जहाँ आप हमारे चौधरी साहब रहेंगे, हम तो उन्हीं का साथ देना, वे गठबंधन सपा के साथ में कर लो या अदर किसी पार्टी के साथ में कर लो, उन्हीं के साथ रहना, मैं तो पुरानी पार्टी है हमारी, और BJP को एक बार हमने BJP का साथ देकर देख लिया, क्या नतीजा निकला, सारे गाँव में जो है सबकी नौकरी भी लग गई, और जो है ये बिजार भगाने हमारी ड्यूटी भी पक्की होगी, रोज 100 रुपये की मजदूरी हो जा, हमारे ट्रैक्टर भी टूट गए, जो कुछ 12 पे कुछ तार खंबे वगैरह वे लगावे थे वे भी बिजार तोड़ दे, उनकी मारी FIR हो जा, तो इस सरकार में तो हमें इतना बढ़िया ये मिला। तो आप राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहेंगे 2000? जी जी बिल्कुल रहेंगे, पहले से ही ये गांव पूरा राष्ट्रीय लोकदल के साथ ही रहता आया, और आगे भी रहेगा, जो 5-4% घर है गाँव में BJP के, 5-4 घर है जी। वे भी उन्हें भी हम BJP में जाने नहीं देंगे, किसी प्रकार से उनके पाँव पकड़ने पड़ो, मनाने पड़ो, धमकाने पड़ो, जाने नहीं देने के उन्हें भी। तो राष्ट्रीय लोकदल बिल्कुल बिल्कुल टोटल जी। ताऊ जी, आप क्या करोगे? हम के करते हम तो यही है, उसने के लिए है भाई, जीत ही के लिए हम तो, और उसी की वोट देंगे। अरे के है यू, कौन है यू, गंजा के नाम है उसका है? जी योगी बता के गया ना, मारा गांडा है वो, वहाँ वही रोक रहा, क्या कहें 20 साल ले लेना, 5 रुपये गन्ना मूल्य वृद्धि कर दिया, हाँ के कर दिया, कहता मूथ कर दिया उन्होंने, पता के ग्रियान होना, हम तो हमें पीछे लग रहे हैं, हम तो भाई उसे देंगे जो हमारा वो मामा कुछ देगा। तो उम्मीद किससे है जी, उम्मीद किससे? उम्मीद तो हमारी इस भाई के, यू के नाम है इसका, जयंत है, हमारा तो जयंत यार, जयंत ही रहेगा, हम नहीं जानते किसी को कोई कौन है कौन नहीं। पिछले चुनाव में किसको वोट दिया था? हमने तो जयंत को ही देंगे आगे थे, और जयंत को ही पीछे दी थी। अच्छा, पहले भी आप जयंत चोर? हाँ जयंत के मुलाम पुलाम कुछ नहीं है, कौन है यू, योगी पोगी के, योगी पोगी बता
दुनिया मार दी, भुक्की मार दी, मजदूर रोक दिए, किसान भी मर लग रहे, इनके आए हुए जमीन जा लगी रोल लग रहे, अखावे पुराना बोलते, अरे करें कि ये तो किसानों मारन लग रहे, पता की करेंगे ये। तो ताऊ जी इस बार बदलाव के मूड में हो आप? नहीं नहीं, हाँ पूरा पूरा काम है, पूरा काम अजीत के पीछे है, पूरा एरिया, जितने भी गांव है। जी भाई साहब आपका क्या नाम है? परवेश। आप क्या करोगे जी, चुनाव आ गया नजदीक 2022 का, युवा क्या करेगा इस बार? आरएलडी के साथ है भाई। क्या मुद्दे हैं आरएलडी के साथ जानने का? मुद्दे के तो भाई सारे ही है जो है, करा क्या इसने किसानों के लिए, कुछ भी नहीं करा। कृषि कानून वापस ले लिए, वापस 25 रुपए गन्ना मूल्य वृद्धि कर भाई, ये 25 रुपए में होता तो कुछ नहीं रहे, बात बिल के बिल वापस उन्होंने थोपे ही तो थे, वही तो वापस करे, कौन सा सहन कर दिया, कुछ भी नहीं करा। तो इस बार आरएलडी के साथ रहोगे पक्का? जी भाई साहब आपकी क्या राय है? आरएलडी। मुद्दे क्या है, मुद्दा क्या है, क्या कार्य है? मुद्दा आपको बता ही दिया सभी ने, बड़े छोटू ने सभी ने बता ही दिया, मुद्दा आरएलडी के साथ ही रहेंगे हम तो यहाँ सभी। पिछले चुनाव में किसके साथ? बीजेपी को दी थी वोट पिछले चुनाव में, पिछले चुनाव में बीजेपी को दी थी वोट, बिल्कुल दी थी, इस बार नहीं, और दूसरों को भी रोकेंगे कोई देगा। जी ताऊ जी आप क्या करोगे? ताऊ जी कुछ नहीं करता भाई, किसको वोट दो? जो कर गांव वाले करेंगे उनके गहले साथ है, हम तो गांव वालों की भाई, और क्या करेंगे हम। जी भाई साहब आपकी क्या राय है? हम तो जी मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं जयंत को और प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं योगी को। हाँ जी, पहले तो जी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है जी, मतलब विधानसभा चुनाव है, मतलब जयंत चौधरी के साथ है जी, बिल्कुल लोकसभा में योगी आदित्यनाथ। हाँ जी, नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी जी कहीं नहीं चाहते जी, और कोई नहीं चाहता भाई, दो ही आदमी चाह रहे बस। जी भाई साहब आप क्या करोगे? लोकदल जयंत चौधरी जी के साथ। क्या उम्मीदें हैं जयंत चौधरी साहब को? बहुत सारी उम्मीद है, इनका तो कुछ फालतू ही है जैसा बीजेपी है, इनका बहुत फालतू है उम्मीद, कुछ ना कुछ कर देगा। बीजेपी को वोट दी थी भाई, युवा है मोदी है मोदी है मोदी, अच्छे दिन आ गए, कुछ नहीं आए, वहां रात को पड़े रह गए, तुम हो रहा आगे कुछ नहीं आया, बरसी बो रखी थी वो बो रखी, सब बिजार चुग लेंगे मेरे डंगर अपना खमा खाई। देश में विकास हो रहा है, गुंडा राज का खात्मा प्रदेश में हुआ है, गुंडे भी तो यही पड़े हैं, सब नेताओं का डंगा है भाई। मेरे बेटे छोटू ने सब ने कह दिया बात, लोकदल है यार, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जी ताऊ जी क्या नाम है आपका? विजेंद्र मुखिया है जी। मुखिया जी क्या करोगे इस चुनाव में? अजी इस सरकार तक किसान परेशान हो गया ज्यादा, 3 कृषि कानूनों में वहाँ 13 साल रहा उस पर डेटा गया, 13 महीने और किसान ज्यादा परेशान हो गया, बिजली के बिल इतने महंगे कर दिए, किसान मजदूर के बस के पार नहीं रहे, किसान अपनी खेती कैसे करेगा इतने महंगे डीजल से, इतना महंगा डीजल कर दिया, बछड़ू रात को सब खेत चुक जा, और सरकार जो है किसान अपनी सरकार बनाने जा रहा जयंत चौधरी अखिलेश यादव की गेल। पिछले चुनाव में किसको वोट दिया था? जयंत चौधरी को, जो आपके प्रत्याशी थे विजेंद्र मलिक। हाँ उसको दिया था, विजेंद्र मलिक को दिया था, इनका किसान अपनी सरकार बनाने जा रहा, जयंत चौधरी और अखिलेश को वोट देगा, मायावती और अखिलेश की सरकार में मैं अपनी ट्यूबवेल का बिल 3-3 साल में एक बार जमा करा, मेरा कोई कनेक्शन कटन नहीं आए और ना कोई पकड़ना, और अब मेरे गांव में हर महीने ऐलान हो रेडी में डोंडी हो कि बिल जमा करो बिल जमा करो, सरकार नु बताओ किसान कि फसल का रेट 6 भिन्ने साल भर से पहले नहीं मिलता पैसा, और सर एक हर भिन्ने कुकर किसान देगा इसके बिल को, जीव उसे कोई तनख्वाह थोड़ा मिले हर भिन्ने, जिसको सरकारी तनख्वाह मिले वो तो दे दो हर भिन्ने, और किसान कहाँ से देगा, हर भिन्ने का डंडा ये सरकार ठोको रखे, सरकार तो वे दो भी गई पिछली। हाँ, और जनता की चीज़ को इन्हें बेचने का क्या अधिकार है, कहीं रेल बेच रहे कहीं वो बेच रहे, जनता को दो चीज़ का फायदा है, बिजली और रेल, किसी पर पैसा ना हो थोड़ा बहुत बैठा बाय फ्री चला गया, तो यही दोनों चीज़ ये बेचा लग रही, किसान तो इस सरकार तक तंग आ गया, अपनी सरकार बनाने जा रहा। बदलाव करोगे? बदलाव करेंगे बगैर। इसके अलावा कुछ और लोग भी मौजूद है जी ताऊ जी। जी क्या करोगे जी ताऊ जी? भाई जैसे वोट दे हम तो बाद गए जयंत चौधरी के साथ। हाँ, रहेंगे वोट देवेंगे उसकी साथ रहेंगे भाई। पिछले चुनाव में किसको दिया था बाबा जी वोट? हमने जी पिछले में भाई से दिया था भाई जयंत को, हमने तो दिया। अच्छा पहले से ही आप राष्ट्रीय इवन तो भाई ये सड़क आगे बाजार है भाई,
बिजली है वो दे बिल बिल कहाँ जा लिए, तेल कहाँ जा लिया, गैस कहाँ जा लिया, यहाँ जुदी हो रही रोटी रोटी बनने के भी है जी। जी प्रधान जी, हाँ जी, आपके साथ है जी, गठबंधन के साथ हैं। गठबंधन के साथ कितने खुश हैं योगी सरकार से? खुश का तो बता दिया ना सबने, कौन खुश है कौन दुखी है, सब बता दो ना बच्चों, सबने युवाओं ने बता दिया, सब दुखी दुखी है मामला। जी बाबा जी, आप क्या करोगे जी, चुनाव नजदीक आ गया के बतावा भाई कैंडिडेट देख के कौन आवे जी, करेंगे जो करेंगे कैंडिडेट जी सब साथ ही रहेंगे गांव के। कैंडिडेट का क्या है जी, कैंडिडेट कौन होना चाहिए आपको? अरे ठीक ठाक होगा जो उसे दे देगा वोट। फिर भी जी आपकी पसंद कौन है? हाँ आपकी पसंद कौन है जी? पसंद बता दो, हाल में कैंडिडेट है नहीं कैंडिडेट कौन मानना कौन सा ठीक आ गया, बीजेपी का ठीक आ गया उसे दे देंगे। अच्छा जी, ऑल इंडिया ठीक आ गया उसे दे देंगे। अच्छा आप प्रत्याशी को वोट करेंगे पार्टी के किसी के साथ? ना पार्टी के साथ।